मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। फ्रेंड फैमिली चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे और सब भले चंगे होंगे। और बस मेरे चाय बन गया है और मॉर्निंग का सारा काम भी हो गया है और जो वगैरह भी मैंने कर लिया है, तो बस अभी मैं चाय पी ले रही हूँ और चाय मतलब थोड़ी देर बाद पी रही हूँ, जैसे कि नहाने पूजा वूजा करने की थोड़ी देर बाद चाय बना के और पी ले रही हूँ। तो चाय पीते पीते बस बैठी हूँ और अभी मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो आज मैं आपको किसी से मिलवाऊँगी भी, तो आप पूरा मतलब कि वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा। और वो बहुत ही आप लोग देखिएगा ज़रूर। और ये देखो मैं किचन में आ गई हूँ, तो किचन में आके आलू और सब्जी बना रही हूँ। आलू को मैंने भून लिया है और भून के देखिए आलू मतलब फ्राई कर लिया है और प्याज व्याज काट के। और ये सब इसकी तो रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की है, तो इसलिए रेसिपी वगैरह ज़्यादा मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। तो ये देखिए मसाले, तो मसाले वही सब हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, जीरा गोलकी जो रहते हैं वही सब है। और बस प्याज भी है, तो मसाले मैं डाल दी हूँ और डाल के यहाँ पे मतलब कि मसाले भून रही हूँ। और मसाले भून रही हूँ तो आलू चना को मैं थोड़ा सा उबाल दूँ इस बार, नहीं तो ऐसे ही चना ज़्यादातर मैं डालती हूँ। तो इस बार थोड़ा सा कुकर में ये थोड़ा सा मैंने ये कर दिया था, तो बस और डाल दिया है इसमें, साथ ही थोड़ा भुन जाएगा चना तो थोड़ा सा अच्छा मतलब मिसा है इसका। और उसके बाद फिर ये देखिए अच्छे से भुनने के बाद फिर टमाटर वगैरह जो भी है इसी में डाल देती हूँ। ये देखिए टमाटर डाल दिया और आलू अभी नहीं डाला है, तो आलू थोड़ी देर बाद डालूँगी। और ये देखिए, और फिर मैं कुकर में डाल दे रही हूँ, ताकि मतलब कि कुकर में डालने से होता है ये कि इसका सेंट अच्छा बरकरार रहता है। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई है, बस मैं इसमें डाल दे रही हूँ, सीटी लगा दूँगी और इसी में गरम मसाले। और देखिए मैं सारा मतलब उठा के और कुकर में डाल रही हूँ, तो देखिए कितना टेस्टी सब्जी लग रहा है। और अब मतलब बहुत ही टेस्टी आलू चना का सब्जी लगता है, मेरे बच्चों लोगों को भी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ पराठे चावल कुछ भी खा लेते हैं, तो मैं चावल भी बनाऊँगी और चावल के साथ मैं दाल नहीं बनाऊँगी क्योंकि फिर ऐसे ही खा लेती हूँ, चना की सब्ज़ी के साथ ऐसे भी अच्छा लगता है। तो फिर मैंने और बच्चे लोग के लिए पराठा बना दूंगी, और मतलब अपने हम लोग अपने लिए चावल और रोटी पराठा भी बनाएंगे, रोटी ही बनाएंगे, मैं अपने लिए रोटी ही बनाती हूँ और बच्चे लोग के लिए पराठा, क्योंकि उन लोगों इसके साथ पराठा या पूड़ी ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब ऐसा कोई कोई सब्जी रहता है जिसके साथ वो लोग को खास करके पराठा या पूड़ी ही चाहिए होता है। और ये देखिए मैं इधर मतलब कि सारा मतलब पलटती हूँ, और पलटने के बाद और बहुत ये क्या कहते हैं आप लोग से बहुत बातें अभी बहुत सारी बातें अभी करना बहुत बाकी है, तो धीरे धीरे मैं आप लोगों को अपनी बात बताऊंगी। और फिर उसके बाद अभी कुछ कुछ बातें की है तो बहुत ही थोड़ा मन हल्का लग रहा है, तो मतलब कि धीरे धीरे मैं आप लोग से कुछ कुछ बातें शेयर करूँगी। और अब मतलब कि अब करना भी ज़रूरी है मैं ये सोच रही हूँ। तो और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लाइट ज़्यादा, ये देखिए पराठे और आलू चना की। और बस यहाँ पे मतलब कि लाइट बहुत ज़्यादा जाती है गर्मियों में, तो बस यहाँ पे मैं बाहर में दिखा रही हूँ आलू चना की सब्जी और पराठा, तो देख लिया आप लोग। और यही सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनाया, तो आ जाइए, और सब्जी बहुत ही टेस्टी बना था, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए आके। और आप लोगों को तो मैं बुलाना बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, बिल्कुल भी नहीं। और ये देखें नाश्ता करने के बाद ही मैं चावल भी थोड़ी देर बाद बना दी थी, तो चावल और आलू चना की सब्जी और एक सूखी सब्जी भी मैंने बनाया है, तो आलू थोड़ी सी पत्ता गोभी की, तो पत्ता गोभी की सब्जी बनाई थी ना, तो पूरा नहीं बनाया था, आधा ही बनाया था, तो आधा मैंने रख दिया था, तो उसकी सूखी सब्जी आलू डाल के मैंने थोड़ा सा बना दिया है, और फिर ये वाला सब्जी ग्रेवी वाला और सूखी सब्जी है। तो बस सिंपल सा लंच भी हो गया और ब्रेकफास्ट भी हो गया, तो बस यही है, आ जाइए आप लोग भी। और इसके साथ दाल वगैरह मुझे अच्छा नहीं लगता,
लेकिन मतलब दाल मैं नहीं बनाती हूँ, और बच्चे लोग रोटी ही खाते हैं, चावल तो खाते ही नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए मैं दाल बहुत कम बनाती हूँ। और इसके पापा को भी दाल पसंद नहीं आता, कड़ी पसंद आता है। तो अभी मैं आप लोगों को मिलवाने वाली हूँ थोड़ी देर में। तो ये देखिए, ये डॉगी से मिलवाने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये डॉगी आया हुआ है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं सोची कि आप लोगों को दिखा देती हूँ और आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। ये देखिए, और बहुत ही क्यूट है और एकदम बिल्कुल भी काटता उड़ता नहीं है, बहुत ही अच्छा है। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग थोड़ा सा मैं वीडियो वगैरह बना लेती हूँ। और यहीं पे हम लोग जहाँ रहते हैं वहीं पे आया है, कहीं और बाहर नहीं आया है। तो ये देखिए कैसे करके वीडियो बनवा रहा है, और बहुत बाहर जाने के लिए बहुत हल्ला कर रहा था, तो मतलब कि बाहर चलना है। तो ये देखिए, आप लोग मिल लीजिए इसे। और इसका नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसका कुछ नाम तो था। और ये देखिए कैसे देख रहा है, और यहाँ पे नया नया आया है ना, तो फिर ये ना बहुत ये, मतलब फिर भी बहुत सबसे फर्स्ट देखिए कैसे कर रहा है जाने के लिए। सब लोग देख रहे हैं ऐसे कर वैसे उठाओ दो, अच्छा लग रहा है। अपना रस्सी खींच के बाहर बोल रहा था जाने के लिए गेट की तरफ, कहाँ जाएगा अपने से, और बस उसे घूमने का बहुत घूमना ही है, उसको घूमने का बहुत मन करता है अपने से जाएगा। कैसे भी रहता है, दुख या सुख कुछ भी रहता है, मैं आप लोग देखे ही होंगे वीडियो में, मैं ज्यादातर हंसते ही रहती हूँ, और दुखी रहने से क्या फायदा। ये देखिए मेरा मिट्ठू कैसे रात में, तीनों मिट्ठू कैसे खा रहा है, देखिए दूध रोटी। तो ये लोग रात में ना दूध रोटी खाए बिना नहीं सोते हैं, तो मैं वो लोग तीनों खा रहा था मतलब, तो मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया। लाइट जला नहीं, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा मेरा मिट्ठू। और हम लोग को तो मतलब कि कोई कोई ऐसा मोमेंट होता है ना कि मैं शेयर करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पाती हूँ कभी कभी। तीनों खा रहा था, कितना सुंदर लग रहा है, और बहुत कुछ बोलता भी है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे इसीलिए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, और फिर मैं अगले दिन आपसे मिल रही हूँ। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? रूपा एंड फैमिली चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए, और अभी नवरात्र का टाइम चल रहा है, तो बस इसीलिए आज मैंने साड़ी पहन लिया है, और बस मतलब कि और ये वाला नवरात्रि मैं नहीं करती हूँ, बस पूजा वूजा कर लेती हूँ, और पूजा वूजा करने के बाद फिर मतलब फास्ट नहीं रखती हूँ, और ये क्या कहते हैं, और वो वाला नवरात्रा में फास्ट रखती हूँ, बस ऐसे ही पूजा सिंपल सा कर लेती हूँ, और इसमें ना मतलब कुछ नहीं करती हूँ। तो क्या नहीं है कभी इसीलिए, लेकिन कभी वैसा करना होगा तो फिर कर सकते हैं। और अभी आप लोग देखे ही होंगे तबीयत भी मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब था इसीलिए, तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ, और अभी सारा नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है मेरा, अगले दिन का ये वीडियो है, तो थोड़ा थोड़ा वीडियो था तो मैंने डाल दिया, और फिर उसके बाद यहाँ बैठी हूँ, सारा अभी ब्रेकफास्ट वगैरह सारा हो गया है, और चाय वगैरह सब कुछ पी लिया है, तो यहाँ बैठी थी, और अभी लंच वगैरह भी बना ली हूँ, तो मैंने सोचा कुछ और कर रही हूँ, तो यहाँ पे जाले लग गई थी, तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे जाले लग गए, बाहर है ना, तो बाहर में बहुत जल्दी जाले लग जाती है, और बहुत जल्दी धूल मिट्टी सब भी आ जाता है, बहुत गंदा हो जाता है। और यहाँ पे ना ऑटो सब खड़ा रहता है, तो वो निकलता है घुसता है, तो उससे बहुत धूल उड़ती है, तो इसीलिए शायद यहाँ पे गंदगी भी बहुत जल्दी हो जाती है, तो इसलिए यहाँ और जाले भी बहुत। बस मैं नहीं देखती टाइम टेबल कि क्या बज रहा क्या नहीं बज रहा, और बस मैं लग जाती हूँ साफ़ सफाई में, मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो घर में हो या बाहर में हो मैं साफ मतलब कर ही देती हूँ। और इसीलिए जाले अभी थोड़ा सा मुझे दिखा, तो लाइट जला, बाहर में दिख नहीं जाता यहाँ से, धूप चमक रहा था हाथ पे, तो मैं लाइट जला के फिर साफ़ करने लगी, और बस थोड़े से बस ज़्यादा देर थोड़ी नहीं लगेगा, 10-5 मिनट में साफ़ हो जाएगा, तो बस मैंने कर दिया सब, उसमें क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। और साफ़ सफाई करने के बाद फिर अब मतलब कि आज कुछ ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बनाई थी, तो ये देखिए, और रूम के अंदर बिल्कुल भी जाले नहीं थे, सिर्फ बाहर में बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, तो वही मैं कर रही थी। और
कैसा भी परिस्थिति हो बस हंस खेल के मैं वैसे ही गुजार देती हूँ, यही तो ज़िंदगी का नाम है। तो अब मतलब कि मेरे चाले सारे साफ हो गए हैं और बाहर देख सकते हैं अभी धूप जैसा है, मतलब धूप ही है दोपहर के टाइम में, जैसे 3 बज रहे होंगे शायद। और खाना पीना भी हो गया, सारा काम हो गया, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ इसको भी साफ कर देते हैं। और फिर इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा चलो अपने वीडियो को भी एंड कर देते हैं। और ये देखिए साड़ी, हल्की फुल्की सी साड़ी है, गर्मियों का दिन है तो। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलिएगा। तो बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, गुड नाइट, टेक केयर। और अभी रात नहीं हुआ, ये लोग देखिए ट्यूशन पर, मतलब ये लोग घर में पढ़ाई कर रहे हैं, बस दोनों सहेली मिलके पढ़ते हैं। और बाय, सब्सक्राइब करना ना।